नमस्कार, मैं डॉक्टर एच एन व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। कल अपन बीए सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र फर्स्ट के अंतर्गत अवधारणा के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को आज पुनः अपन कंटिन्यू करेंगे। तो कल मैं बता रहा था आपको कि किस प्रकार अपन कंसेप्ट की बात करते हैं एक छात्र को लेकर। तो अब देखते हैं कि क्या अन्य छात्र आमतौर पर उसकी सलाह सुनते हैं या नहीं, क्या उसे साधारण, अच्छा या श्रेष्ठ छात्र समझा जाता है, क्या अध्यापकों द्वारा उसको कभी दंड नहीं दिया जाता है या आलोचना नहीं की जाती है, क्या अन्य छात्रों के व्यंग्यात्मक व्यंग्यात्मक टिप्पणियों का कभी शिकार तो नहीं होना पड़ता है, क्यों छात्र संघों में उसे महत्वपूर्ण कार्य दिया जाता है, आदि प्रश्न अनुसंधानकर्ता को प्रत्येक प्रश्न पर अंक देने के लिए प्रेरित करेंगे और कुल प्राप्त अंकों के आधार पर निम्न, मध्यम या उच्च सम्मान का निर्धारण कर सकेगा। अवधारणा की भूमिका सामाजिक जगत से किसी प्रकार के संबंध स्थापित करना है। सैद्धांतिक ढांचे में उन अवधारणाओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण समझी जाती है जो कि अनुसंधान के लिए संदर्भ प्रस्तुत करती है। अनुसंधान समस्या कथन में शामिल होकर संग्रह की जाने वाली आधार सामग्री के निर्धारण में है, उनका वर्गीकरण कैसे किया जाएगा और उपलब्धियों के वर्णन करने में मदद करता है। जिस प्रकार ये आपने चार्ट बना के देखा होगा कि कॉलेज में एक छात्र के सम्मान का निर्धारण किस प्रकार हम लोग करते हैं, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि ये कॉलेज छात्र में एक सम्मान का निर्धारण करने वाले कारकों का विश्लेषण जब करते हैं तो पहले उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, पारिवारिक वातावरण, शैक्षणिक योग्यता, ये तीनों ही चीजें मिलकर क्या प्रदान करती है, एक शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करती है। अब शैक्षिक उपलब्धि के अंतर्गत जैसे खेलकूद, पाठ्येतर गतिविधियों में सहभागिता और उसके बाद क्रियाकलापों में उसकी जो भागीदारी है उसकी बात करेंगे, फिर छात्र संघ में स्थिति, साथियों की मान्यता और अध्यापकों की स्वीकृति। नॉर्मन ब्लेक ने कहा कि अवधारणाएं की चार स्रोत से आती है। पहला सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, जो कि उन अध्ययन क्षेत्र में या सामाजिक वैज्ञानिक समुदाय में प्रदान होता है, जैसे संघर्ष सिद्धांत, एक विशेष अनुसंधान समस्या जैसे राजनीतिक भ्रष्टाचार। सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली अवधारणाएं जिन्हें वे नवीन परिभाषा दी गई, जैसे सामाजिक वर्ग, प्रतिदिन की अवधारणाएं जिन्हें सूक्ष्म अर्थ दिया जाता है जैसे भीड़ है, इन स्रोतों की व्याख्या करने के लिए हम संस्कृति के अध्ययन में कुछ प्रमुख अवधारणाओं को ले सकते हैं। ये है संस्कृति संघर्ष, सांस्कृतिक अभिसरण, सांस्कृतिक ग्रंथि, संस्कृति का आधार और संस्कृति का संचय, व्यापक संस्कृति, अव्यक्त और सुव्यक्त, है ना, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट संस्कृति, अनुकूलन संस्कृति, उत्तरजीविता जीविता संस्कृति, आदर्शवादी संस्कृति और संवेदी संस्कृति, सांस्कृतिक पिछड़ापन इत्यादि। सांडर्स एंड पिल्ले 1947 में मानते हैं कि अवधारणाएं सिद्धांत निर्माण का आधार होती हैं। अवधारणाओं को तर्कसंगत तरीके से जोड़ने से सिद्धांत बनते हैं। निर्माण रचना, एक रचना वैज्ञानिक विश्लेषण और सामान्यीकरण की सहायता के लिए बनाई गई एक साधारण अवधारणा है। एक रचना आमतौर पर एक अवलोकनीय घटना से निकाली जाती है। यह यथार्थ का अमूर्तिकरण होता है। यह यथार्थ कुछ पक्षों को छांट कर उन पर ध्यान देती है तथा अन्य पक्षों की अवहेलना करती है। इस प्रकार एक रचना एक अवधारणा भी होती है जो कि विशेष वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए सोचे समझे तरीके से खोजी जाती है। कैंडलीगर 1964 में उदाहरण बुद्धि एक उपलब्धि है और बुद्धिलब्धि जिसको हम लोग कहते हैं आईक्यू, एक वैज्ञानिक रचना जिसके व्यवहार
वैज्ञानिक किसी व्यक्ति की बुद्धि को नाप सकता है। पहला बुद्धि लब्धि इजकल टू मानसिक आयु है ना। अब मानसिक आयु और वास्तविक आयु, देखिए जिस व्यक्ति का आयु होता है कि जरूरी नहीं कि वह उस आयु के अनुरूप व्यवहार करें, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग कि मानसिक आयु पब्लिक वास्तविक आयु, माना कि मानसिक आयु का जो लेवल है उसका 20 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु है 30 वर्ष, उसको पर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि 75 से जो हमारा 30 है और ऊपर 20 हमने लिखा तो 1.5 उसको सब करेंगे, डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा। तो 75 से कम बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति को कमजोर मस्तिष्क वाला माना जाता है, यदि क्योंकि तो निश्चित रूप से कमाना है, जबकि 130 से अधिक बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति प्रतिभावान व्यक्ति समझा जाता है, जो है ना अपनी उम्र से अधिक बात करने वाला व्यक्ति होता है ना। तो वैज्ञानिक रचना के रूप में अवधारणा सैद्धांतिक सारणियों में प्रवेश करती है और विविध रचनाओं से विविध प्रकार से संबंध रहती है। समाजशास्त्र में रचनाओं के कुछ उदाहरण हैं अप्रतिमानित, एनोमी, प्रस्थिति, भूमिका, आदर्श प्रकार, आधुनिकीकरण, समाजीकरण, प्रथा, संरचना इत्यादि। रचनाओं की कुछ प्रयोजनीय परिभाषा यहां हम दे सकते हैं, जिसमें सामाजिक वर्ग, यदि सामाजिक परिस्थिति के अर्थ में सामाजिक आर्थिक परिस्थिति इसकी परिभाषा की जाए तो इसकी परिभाषा इस प्रकार के संकेतों की सहायता से की जा सकती है, जैसे पैसा, आमदनी और शिक्षा, या तीनों को मिलाकर ये मापित चर होता है। अस्पृश्यता को इस आशय से परिभाषित किया जा गया है कि पुरोहित के रूप में ब्राह्मणों द्वारा सेवा न देना, मंदिरों में प्रवेश की अनुमति न होना, जन सुविधाओं को प्रयोग न कर सकना, उच्च जाति के लोगों को छूने या निकटता की आज्ञा न देना, तुच्छ पैसों में लगा रहना इत्यादि। लोकप्रियता की प्रायोज्य रूप से परिभाषा उन समाज मितीय विकल्पों की संख्या में की गई है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों से प्राप्त होती है, पड़ोस में, मित्र समूह में, कॉलेज, क्लब, कार्यालय इत्यादि में। इस प्रकार के विकल्प प्रश्न पूछकर, जैसे आप किसी के साथ काम करना, लेखन करना, खेलना है ना आदि पसंद करेंगे, और उत्तरों में चयनित व्यक्तियों को चिन्हित कर प्राप्त किए जा सकते हैं। अवधारणाओं की तीन परिभाषा हो सकती है, ठीक है। ये अपन ने अब तक जो पढ़ी थी वो अवधारणाओं को समझने का एक प्रयास था। अब हम परिभाषा की जब बात करते हैं तो इन तीन प्रकार से हम लोग इनका अवधारणाओं को समझने की बात करते हैं। पहला वास्तविक, दूसरा नामित और तीसरी सक्रियात्मक। वास्तविक परिभाषा चिन्हित घटना की आवश्यक प्रकृति का पता लगाने का प्रयत्न है। उदाहरण के लिए एक त्रिकोण की गणितीय परिभाषा है कि यह एक तीन भुजाओं वाली आकृति होती है ना, यह वास्तविक परिभाषा है। लेकिन समाज विज्ञानों में अवधारणा की वास्तविक परिभाषा प्राप्त करना सरल नहीं होता है। उदाहरणार्थ विकास की अवधारणा को लें, इसकी परिभाषा कर सकते हैं उच्च स्थिति की और प्रगति, या एक और मानव आवश्यकताओं और आकांक्षाओं और दूसरी और सामाजिक नीतियों व कार्यक्रमों के बीच बेहतर तालमेल बैठाने के लिए नियोजित संस्थागत परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। किंतु यह परिभाषा ये बात नहीं बतलाती है कि उच्च स्थिति क्या है अथवा बेहतर तालमेल क्या है। इसकी दूसरी परिभाषा है अवनति या ठहराव को रोककर एक समाज की दशा में सकारात्मक प्रगति। प्रथम दो परिभाषाओं को वास्तविक कहा जा सकता है और तीसरी को नामित। विकास एक समाज से दूसरे में भिन्न होता है। समाजवादी समाजों में लक्ष्यवादी लक्ष्य वही नहीं होते हैं जो पूंजीवादी समाज के होते हैं। प्रथम प्रकार के समाज में समानतावाद पर बल दिया जाता है जबकि दूसरे में व्यक्तिवाद तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता पर। लेकिन विकास की कुछ पक्ष ऐसे हैं जिन पर व्यवहार में लगभग सार्वभौमिक सहमति है। ये पक्ष मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी, आर्थिक व शैक्षिक है। अतः विकास की सक्रियात्मक परिभाषा होगी एक ऐसी स्थिति समाज की जिसमें एक प्रकार की विशेषताएं हो, जैसे प्रौद्योगिकी में सुधार, संपदा में वृद्धि, लोगों की कार्यकुशलता में परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन, रहन सहन के स्तर में परिवर्तन, रोजगार के अवसरों में की उपलब्धि में वृद्धि, साक्षरता में स्तर तथा शैक्षिक उपलब्धियों में विस्तार, सामाजिक न्याय अर्थात अवसरों का समान वितरण, कमजोर समूह का उत्थान, समाज कल्याण सुविधाओं में सुधार, जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं के प्रति सुरक्षा,
स्वास्थ्य रक्षा, प्रदूषण से बचाव, लोकतांत्रिक राजनीतिक शासन, विस्तार कार्यक्रमों में लोक भागीदारी। अर्थात हम जब विकास की बात करेंगे, उसकी परिभाषा करेंगे, तो विकास किसी समाज के एक पक्ष में नहीं आएगा। अब एक पक्ष की बात नहीं कर सकते हम, बल्कि विकास की जो विशेषता है वो समाज के सारे पक्षों में आपको स्पष्ट होगा। ऐसा नहीं है कि केवल विकास शिक्षा के क्षेत्र में आ गया कि सब पढ़ लिख गए लेकिन सब लोग बेकार बैठ गए, ऐसी स्थिति नहीं होगी। तो जो विकास होगा समाज के सारे पक्षों में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। सामाजिक अनुसंधानकर्ता के रूप में हम अवधारणा की सामान्य परिभाषा ही विकसित करना नहीं चाहेंगे, बल्कि नापने के लिए उसे सहक्रियात्मक बनाना भी चाहेंगे। विकास को नापना होगा तो हमें उसे सहक्रियात्मक बनाना होगा, अर्थात इसके अध्ययन के लिए सहक्रियात्मक परिभाषा भी चाहेंगे। सत्तावाद ऑथराइजेशन निज़म की अवधारणा को ले, यह सत्ता के प्रति आज्ञाकारिता की आवश्यकता या समर्थन का प्रतिभास है, सामान्य परिभाषा। लेकिन इसको नापने के लिए इसमें निम्न विशेषताएं देखी जा सकती है। परंपराओं का अत्यधिक अनुपालन, उन लोगों की निंदा, अस्वीकार और दंडित करने की प्रवृत्ति जो परंपरागत मूल्यों का उल्लंघन करते, शक्ति, प्रभुत्व, आधीनता, मजबूत कमजोर में विश्वास, सामान्यकृत आक्रामकता और निम्न समझे जाने वाले लोगों के प्रति अक्खड़पन, ये अवधारणा की विशेषताओं और आयामों का पता लगा लेने के बाद अनुसंधानकर्ता को उनके नापने के तरीकों का विकास करना होगा। प्रत्येक आयाम में अभिवृद्धि करते हुए कथनों की कड़ी तैयारी की जा सकती है ताकि उत्तरदाताओं से उनकी सहमति या असहमति का स्तर पूछा जा सके। उदाहरणार्थ निम्नलिखित कथन ले, शक्तिशाली व्यक्ति विरोध सहन नहीं करता, दूसरों के दृष्टिकोण को महत्व नहीं देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं देता है, लोगों के विद्रोही विचारों का दमन करता है आदि। प्रत्येक कथन के साथ उत्तरदाताओं की सहमति और असहमति का स्तर के 3 या 5 बिंदु वाले पैमाने पर नापा जा सकता है। तीव्र सहमति प्लस 3, सहमति प्लस 2, अनिश्चितता प्लस 1, असहमति माइनस 1, तीव्र असहमति माइनस 2। कथनों के औसत प्राप्तांकों के आधार पर कुल प्राप्तांकों का योग उत्तरदाताओं के प्रभुतावाद के स्तर को नापा जा सकता है। जोनाथन ट्यूमर 1973 में बताया कि ने दो प्रकार की अवधारणा बताई, अमूर्त और मूर्त। प्रथम घटना की सामान्य विशेषताओं को बताता है कि वे किसी विशेष स्थान, समय या घटना के विषय से मैं नहीं कहते। दूसरा विशेष व्यक्तियों और अंतःक्रिया को बताता है। उदाहरणार्थ लोगों के ने सदियों से सेवा के सेवों को पेड़ से गिरते देखा लेकिन यह नहीं समझे कि क्यों, जबकि गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा नहीं आई। यह एक अमूर्त अवधारणा थी जो ये बताती है कि सभी भारी चीजें, मनुष्य, पत्थर, लोहे, छड़े इत्यादि गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन पर गिरती है ना। अतः अमूर्त अवधारणा केवल एक ही स्थिति या घटना तक सीमित नहीं होती है, बल्कि घटनाओं के विस्तृत क्षेत्र में लागू होती है। दूसरी ओर मूर्त अवधारणाएं विशेष घटनाओं के संदर्भ को प्रदर्शित करने के कारण सैद्धांतिक रूप से उतनी लाभकारी नहीं होती जितना कि अमूर्त होती है। हम एक रेख का उदाहरण ले सकते हैं जो कि अपन कल इसको पढ़ाएंगे, आगे करेंगे कि किस प्रकार हम एक रेख का उदाहरण लेकर इसकी बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।